एक पानी की बोतल। काका वो बिस्किट निकालिए जरा। ये देखिए केवल धीमे हाथों से खेला और कितने बड़े हैं। 10 रुपए आपके आपसी ताल में काका उचित दो। गौतम गंभीर का ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन जैसे ही जगह। अरे मेरा झोला, काका यहां पर एक झोला रखा था, देखा क्या आपने? अरे यहीं पर तो था। होगा पता नहीं। किशन ये लो पैसे। अशोक का नंबर और पता याद है ना? नहीं भैया याद तो नहीं है, लेकिन मैंने डायरी में सब कुछ लिख लिया है। ठीक है, पहुंचते ही फोन कर देना और वहां शहर में अपना ख्याल रखना। जी भैया। आज तो बड़े मसले फंस गए। इसमें डिब्बा ये तो पूरा खाली, डायरी इसमें तो लिखा है कुछ काम का नहीं है। वॉलेट, इतने पैसे से तुम रोज पिज्जा बर्गर खा सकते हैं। बोल मास्टर तू क्या खाएगा? मैं मुर्गी वाला खाऊंगा और मैंने कोई नहीं खाऊंगा। तू पैसे गिनता है? प्रकाश भाई किसका है वॉलेट? हमारा। सच बता गोविंद। मारा मत ना, आज सुबह बस स्टॉप पे की जेब काटी। बापू को मत बताओ। साले चोरी चकारी चालू कर दी तुम लोगों ने। और ये मास्टर किसको साथ ले गया था तू? चोरी करता है। तेरा मामला सुलटा लेते हैं ना। मेरे भाई अब कुछ बोलेगा भी? अरे तुझे पता है यार वो औरत तेरे भरोसे लायक नहीं है प्रकाश। तुझे मेरी मदद करनी है कि नहीं? देख प्रकाश, मेरे बाप का पैसा है वो, अगर मेरा होता तो तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती यार। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना तेरे लिए यार। अरे यार मेरे पास वक्त बहुत कम है, साल भर से पैसे जोड़ रहा हूँ फिर भी 25 कम पड़ रहे हैं। हफ्ते भर की मोहलत बची है मेरे पास। कुछ कर लेंगे यार। सुन सिरत, ललित भाई वो फ्लैट पे। मैडम ताश में आज तक आपको कोई हरा पाया? बड़ी जल्दी आ गया। हाँ वो पैसों का इंतजाम हो गया।
पूरे 50 हैं। नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ? ललिता बहन, आपने वादा किया था कि अगर मैं पैसे लेके आया, देखिए आप ऐसे मुकर नहीं सकते। मेरे लिए घाटे का सौदा है। अगर आपको और पैसे चाहिए तो बोलिए ना, मैं लाऊंगा। कितने चाहिए बोलिए। कहाँ से लाएगा, चोरी करेगा? मैं वो भी कर दूंगा, कामेनी के लिए कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी। भूकंप के जोरदार झटकों ने फिर से नेपाल और भारत को हिला कर रख दिया। क्विक चिकन बिरयानी के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम चिकन के पीसेस, 1.5 कप चावल। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नहीं देख सकता औरत का ये रूप। कामिनी, सलून से फोन था, मैडम ने बुलाया है, चल। अच्छा प्रकाश, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि कामिनी ही क्यों। माना के बला की खूबसूरत है छोकरी, पर मेरे पास और भी तितलियां हैं, उनमें से कोई क्यों नहीं, और कामिनी ही क्यों? क्योंकि वो मेरी वजह से यहाँ आए। मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी थी कामिनी के साथ, पर मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं शहर देखना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, तो मैं वहां से यहां भाग आया। मुझे नहीं पता था कि ये पगली मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाएगी। उस दिन सीराज मुझे यहाँ लेके आया तो मैंने उसे इस हालत में देखा, मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। ललिता बहन, मैं उसे उसकी जिंदगी वापस देना चाहता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। पहले किसी आदमी ने इतनी हिम्मत दिखाई होती तो ललिता बहन की जिंदगी की कहानी आज कुछ और ही होती। आधे घंटे में बस आ जाएगी। पर तुमने तो कहा था पैसों के लिए वक्त लगेगा, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे कर लिया? अरे कामिनी, जरा मेरी मदद कीजिए भाई। अबे चल ना, ये ले रख। माफ कीजिए, भिखारी नहीं हूँ, आज ही आया था गांव से और स्टेशन पर दो बच्चों ने मेरा झोला चोरी कर लिया। जिसके यहाँ रुकना था उसका नाम और पता उसी में था। 30,000 रुपये भी थे मेरे वॉलेट में। एक सरकारी अफसर को देकर नौकरी मिलने वाली थी मुझे। भैया ने बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त किया था, भूखे पेट हर जगह घूम लिया और किसी से मदद मांग ली। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। आप रखिए अपने 10 रुपये, भिखारी नहीं हूँ मैं। पर अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे बस अब घर जाना है। कहाँ है आपका घर? सोनपुर। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। प्रकाश, ये वॉलेट उसी का है, पर अब जो कुछ हुआ तो उसे बदल नहीं सकता। और कामिनी, उसके साथ तुझे नई जिंदगी शुरू करनी, और उसके लिए तुझे पैसों की ज़रूरत है।
क्या हुआ? अरे वो टिकट के लिए पैसे कम पड़ गए। ये लो। एक सोनपुर 540। तीस हजार छोटी रकम नहीं है प्रकाश। लो भाई टिकट, पलट वापस कर दे, वो भी बड़ी मुश्किल में। उसका मत सोच प्रकाश, अपना देख, नई जगह, नया धंधा, सबके लिए पैसे चाहिए। कहाँ से लेके आएगा? कामिनी का सोच। ये लो भाई टिकट।